नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं अलान स्कॉट इंडस्ट्री के बारे में। कंपनी के बात करें स्टॉक प्राइस की, तो 147 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज की ट्रेडिंग सेशन में 13.53% की इसमें गिरावट आपको देखने के लिए मिली है। अगर बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो कंपनी ने यहाँ पर बीच में काफ़ी शानदार यहाँ पर एक जंप देखने को मिला था, काफ़ी शानदार यहाँ पर रिटर्न दिया है। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर गिरावट भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर इस स्टॉक में भी है। जानेंगे इस गिरावट का रीज़न और आगे आने वाले टाइम में किस प्रकार से ये स्टॉक मल्टीवेगर रिटर्न दे सकता है। अगर हम बात करें गिरावट की, तो किसी भी स्टॉक के लिए यहाँ पर स्टॉक का रिजल्ट या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम अगर कंपनी में खड़ी होती है जिसके कारण आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक अपने हाई से 56% तक क्रैश हो चुका है। यानी काफ़ी जो बड़ा इसको आप क्रैश बोल सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट हो चुकी है और ये एक अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर साबित हो सकती है। लेकिन उससे पहले कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी का रिजल्ट रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल की, तो मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मार्केट कैप की अगर बात करें तो 26 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप, पे वैल्यू 10 रुपये, यानी स्टॉक स्प्लिट होता हुआ मिल सकता है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 17 रुपये, यानी जो अपनी कंपनी की बुक वैल्यू है वो 17 रुपये है और रियल वैल्यू 147, यानी कंपनी अपनी रियल वैल्यू से यहाँ पर 10 से 11% के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ आपको स्टॉक मिल रहा है। ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, जो कंपनी का रिजर्व है, अगर रिजर्व की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर मार्च 2022 के अंदर कंपनी का रिजर्व 1 करोड़ यहाँ पर बताया गया है, जो कि यहाँ पर कंपनी के कोई खास ज़्यादा आप इसको नहीं मान सकते, लेकिन कंपनी ऑलमोस्ट डेबिट जो डेफ्थ है उससे फ्री है। इनकम स्टेटमेंट की अगर बात करें तो मार्च 2021 से यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स है यहाँ पर 0, अदर इनकम 0, टोटल इनकम 0, यहाँ पर आल जो डाटा है यहाँ पर 0 दिखाए गए हैं। अगर अपन बात करें कंपनी ने दिसंबर 2021 के अंदर यहाँ पर सेल्स के अंदर 1 करोड़ का यहाँ पर अमाउंट दिखाया है, उसके बाद टोटल जो इनकम है कंपनी की 1 करोड़ है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी 1 करोड़ है। अगर अपन बात करें लास्ट क्वार्टर मार्च 2022 की, तो यहाँ पर कंपनी ने सेल्स, अदर इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर ऑल जो ये क्वांटिटी है ये सब कुछ यहाँ पर कंपनी ने 0 बताया है। तो यानी कंपनी का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा आइडिया नहीं लगा सकते इस कंपनी के बारे में। अगर अपन बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जो प्रमोटर्स का इसके अंदर होल्डिंग है मार्च 2021 के अंदर जहां 42 की थी, उसके बाद मार्च 2022 तक 46.45, यानी प्रमोटर्स ने यहां पर अपना स्टेक बढ़ाया है। अगर अपन बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, तो जहां मार्च 2021 के अंदर टोटल होल्डिंग डोमेस्टिक इन्वेस्टर की 20.12 की थी, वो मार्च 2022 तक 24.12, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर का यहाँ पर स्टेक आपको बढ़ता हुआ इस स्टॉक में नज़र आया है। पब्लिक की अगर बात करें तो मार्च 2021 के बाद पब्लिक यहाँ पर मार्च 2022 तक कंटिन्यूसली डाउनवर्ड आपको देखने को मिल रही है, जहाँ 2021 के अंदर 37.87 की होल्डिंग थी, वो मार्च 2022 तक 29.53 की होल्डिंग यहाँ पब्लिक की बची है। इस स्टॉक की शेयर होल्डिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो देखने लायक बात है वो यहाँ पर 17 सितंबर 2021 की डेट है, यहाँ से स्टॉक ने रन करना स्टार्ट किया था और उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी अपसाइड तक, यानी 25 रुपये का जो स्टॉक था वो ट्रेड करता हुआ काफ़ी अपसाइड में आपको यहाँ पर जाता हुआ 309 रुपये जाकर यहाँ पर फर्स्ट में इसमें स्टॉप लगा था। यानी काफ़ी हाई वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा ये मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड में ये स्टॉक आपको देखने को मिला था। लेकिन जो 17 तारीख है 17 दिसंबर के बाद यहाँ पर इस स्टॉक में रैली बनी थी। उससे पहले अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने यहाँ पर सितंबर मंथ से अच्छी खासी यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई और उसी की ड्यूरेशन के बाद में यहाँ पर आपको इस स्टॉक में रन देखने को मिला था, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर जैसे जैसे डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर के यहाँ पर जैसे जैसे होल्डिंग बढ़ती है किसी भी स्टॉक में, तो उसके साथ आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उस स्टॉक के प्रति स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका बनता है। लेकिन उसके साथ ही साथ कंपनी का रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसको फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट, उसी के साथ उसका क्वार्टर रिजल्ट एनालिसिस करें, उसी स्टॉक के अंदर निवेश करें। थैंक यू दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग।